हेलो गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बनाना पील से एक बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र कैसे बना सकते हैं। ये तो हमें कुछ बनाना पील्स चाहिए और हमें उसको एक दो दिन धूप में सुखाना होगा जब तक वो क्रंची ना हो जाए। तो ये हमारे बस 5 लोगों की फैमिली है, तो मैं काफ़ी टाइम से इसको इकट्ठा कर रहा हूँ, इसलिए थोड़े ब्लैक हो गए। मैं भी इनको बस 2-3 दिनों से इकट्ठा कर रहा था। तो अब हम इसको धूप में 2-3 दिन सुखा लेंगे जब तक ये क्रंची ना हो जाए। तो जब ये सूख जाएंगे, अब मैं आपको तब दिखाऊंगा जब ये सूख जाएंगे। सो एज यू गाइस कैन सी, हमारे जो बनाना पील थे वो अब पूरी तरीके से ड्राई हो चुके हैं। अब वो देखिए, जैसा मैंने आपको कहा था क्रंची होने तक सुखाना है, देखिए क्रंची हो चुके हैं। और अब हमें इनको क्या करना है, इनको हमें मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाएगा और हम इस फर्टिलाइज़र को बनाना पील पाउडर भी कह सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ग्राइंड करके अभी लाता हूँ। सो या गाइस, मैंने अपने बनाना पील को ग्राइंड कर लिया है और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो गया है। अगर आप इसको ऐसे गीला बिना सुखाए ग्राइंड करेंगे तो कैसा पाउडर नहीं बन पाएगा, वो गीला गीला सा मतलब लिक्विड सा बन जाएगा। और जो आप ये रेशे से इसमें देख रहे होंगे, आप चाहे तो इसको छान भी सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको छानेंगे नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये जो रेशे हैं ये भी आगे जाकर डिकम्पोज होकर प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा सा ये पाउडरी फॉर्म हो गया है, बिल्कुल पाउडरी हो गया ये। और अब हम इसको प्लांट्स में ऐड करेंगे। आप इसको हर 15-20 दिन में 2 चम्मच एक प्लांट में ऐड कर सकते हैं। तो अब हम आपको इसको प्लांट में ऐड भी करके दिखाते हैं। सो गाइस, ये मेरा मनी प्लांट है और अब हम इसके अंदर ये 2 टेबल स्पून ये पाउडर ऐड कर देंगे। और अब इसकी गुड़ाई कर देंगे। तो अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा। तो या गाइस, ये रिज़ल्ट है आफ्टर 2 मंथ का। मैं इस मनी प्लांट के अंदर हर 20 दिन के अंदर ये पाउडर डालता और आप देख सकते हैं इसकी हाइट कितनी बढ़ गई। ये मैंने अभी 2-4 दिन से बहुत गर्मी पड़ रही है, मैंने इसको धूप में रख रखा था, इसलिए इसकी लीव्स थोड़ी सी बर्न होने लगी, लेकिन आप देख सकते हैं इसकी हाइट कितनी बढ़ गई है। ये आफ्टर 2.5 मंथ का रिज़ल्ट है, 2-2.5 महीने का रिज़ल्ट है ये। जैसा कि आप देख सकते हैं कितनी इसकी वाइन कितनी लंबी हो रही है और इसके अंदर कितनी सारी एरियल रूट्स भी आ रही हैं। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो में आया मज़ा तो मेरी भी हमारी वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो तब तक के लिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।